एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सब डॉक्टर संजय सिंह। आज का वीडियो एक और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो है, जहां पे मैं अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूं। आज मैं शेयर करने वाली हूं कि बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे कौन कौन से सिम्टम्स थे, और जो ये ओल्ड वाइव टेल्स होती हैं, पुरानी कहावतें होती हैं हमारी दादियों नानियों की, वो मेरे टाइम पे कौन कौन से लक्षण थे जिन पर फिट बैठती थी, और मुझे ज़्यादातर लोग ऐसा क्यों कहते थे कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। सो, ये एक फन वीडियो होने वाला है, जहाँ पे मैं अपने सिम्टम्स शेयर करूँगी और मेरे केस में कौन से सिम्टम्स सही साबित हुए ये बताऊँगी। वैसे हम सभी जानते हैं कि जेंडर जो होता है बेबी का, वो पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। अगर आपको आपके हस्बैंड से एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो आपको बेबी गर्ल होती है, वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो आपको बेबी बॉय होता है, और इसको कोई भी ऐसे बदल नहीं सकता, ना ही इसको कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देखकर हमारे घर में जो दादी नानियाँ हैं, ये लोग बोलती हैं कि लड़का ही होगा या लड़की ही होगी। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। सो, मेरा जो सबसे पहला सिम्टम था वो जिसे बात करते हैं कि हार्ट बीट की। आपके जब भी आप विजिट पर जाते हैं तो बच्चे की जो हार्ट बीट आती है उसके बेस पर बोलते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की। सो, मेरे बच्चे की जो हार्ट बीट हमेशा विजिट में आती थी वो 140 या उससे कम आती थी। जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर 140 या उससे कम की हार्ट बीट है तो आपको लड़का होगा, और उससे ज़्यादा की है तो आपको लड़की होगी। लेकिन मेरे केस में ये बिल्कुल गलत साबित हुआ। मेरी बेबी की हार्ट बीट जो है 140 या उससे कम ही आती थी, तो फिर मुझे बेबी गर्ल हुई। दूसरा जो है, मॉर्निंग सिकनेस के बारे में बोलते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग है, आपको बहुत ज़्यादा जी मचलाता है, आपको उल्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको गर्ल चाइल्ड होता है, लड़की होती है, और अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती तो आपको लड़का होता है। तो मेरे केस में ये चीज़ सही साबित हुई। मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आती थी, बहुत ज़्यादा मेरा जी मचलाता था, और मुझे ये 4 महीने तक रहा था, और बहुत ज़्यादा मैं इससे बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी। सो, मेरे केस में ये सही साबित हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती थी और मुझे बेबी गर्ल हुआ। थर्ड पॉइंट है लीनियर नायग्रा, जो हमारे एब्डोमन पे पेट पे एक लाइन बन जाती है। उसके बारे में बोला जाता है कि अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी है और बहुत ज़्यादा डार्क है तो आपको लड़का होने वाला है, और अगर ये लाइन जो है थोड़ी टेढ़ी है या कम डार्क है तो आपको लड़की होने वाली है। तो मेरे केस में ये सही बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि मेरी जो लीनियर नायग्रा थी, जो लाइन थी, वो जो है बिल्कुल सीधी थी और बहुत ज़्यादा डार्क थी, लेकिन मुझे लड़की हुई। फोर्थ होता है स्किन और हेयर को लेके। लोग कहते हैं कि अगर लड़की होने वाली होती है तो वो लड़की जो होती है अपनी मॉम की ब्यूटी चुरा लेती है, तो आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आ जाते हैं, आपको एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लड़का होने वाला था, आपकी स्किन निखर जाती है। मेरे केस में ये सही साबित हुआ, क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया था, लेकिन मेरी स्किन और हेयर काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो ये कंट्रोवर्सी टाइप का है, क्योंकि मेरी स्किन और हेयर काफ़ी अच्छे हो गए थे, मुझे बिल्कुल हेयर लॉस नहीं हो रहा था, और मेरी जो है ओवरऑल जो स्किन है वो भी काफ़ी अच्छी थी, कोई पिंपल्स वगैरह नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे पिगमेंटेशन हुआ था। और इसके अलावा प्लासेंटा की पोजीशन को लेके भी बोलते हैं कि अगर आपका प्लासेंटा का पोजीशन एंटीरियर है तो आपको लड़की होने वाली है, पोस्टीरियर है तो आपको लड़का होने वाला है। तो मेरे केस में ये सही साबित हुआ था, मेरे प्लासेंटा की पोजीशन जो थी वो एंटीरियर थी और मुझे लड़की हुई। इसके अलावा एक और चीज़ कहते हैं कि अगर आप हाई कैरी कर रहे हो तो आपको लड़की होगी, और अगर आप लो कैरी कर रहे हो तो आपको लड़का होगा। तो मेरे केस में ये सही साबित हुआ था। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने हाई कैरी किया था, इवन जब मेरी डिलीवरी हुई है उस टाइम तक मेरा बेबी जो है डिसेंड नहीं हुआ था। ये जो है मेरे केस में सही साबित हुआ था, मैं हाई कैरी कर रही थी और मुझे लड़की हुई। ये मेरे कुछ सिम्टम्स हैं बेबी गर्ल के। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये जो पुरानी कहावतें आपके लिए कितनी सही साबित हुई, आपके लिए कितना सही रहा, आपको लड़का हुआ या लड़की हुआ, कितना मैचिंग रहा आपका ये लक्षण। और अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड और जानकारियाँ चाहते हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और इसके ऊपर वीडियोस बना सकूं। सो, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।